वशीकरण एक ऐसा विषय है जिसके लिए सभी परेशान हैं। हमारे पास भी लोग आते हैं तो सबसे ज़्यादा वशीकरण के मामले को लेकर के, किसी भी तांत्रिक अघोरी के पास सबसे ज़्यादा वशीकरण का ही मामला आता है कि संबंध बिगड़ गया है, संबंध विच्छेद हो गया है, पारिवारिक संबंध खराब हो रहे हैं। तो तंत्र जो होता है वो आध्यात्मिक मार्ग में ऑपरेशन की तरह होता है कि जब कोई दवाई काम नहीं कर रहा है, कोई हीलिंग काम नहीं कर रहा है, तब लोग चीट फाट करवाते हैं। आम जनमानस को अगर पारिवारिक समस्या है तो उसको खुद से ही सुलझा लेना चाहिए। तो महादेव जी ने इसलिए आम लोगों की सहूलियत के लिए टोटका का विधान बनाया। तंत्र के अलावा आप जानते होंगे टोना टोटका। खुद से वशीकरण करना कभी भी किसी और से वशीकरण करवाने से ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसका कारण ये है कि जब आप कोई भी तंत्र करते हैं तो उसमें जो आपका इमोशनल एनर्जी है उसका जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर किसी पर कोई अभिचारिक प्रयोग कर रहे हैं तो आपका मनोभाव क्या है, ये बहुत मायने रखता है। और वशीकरण जो होता है वो एक प्रेम का विषय है। एक तांत्रिक हो सकता है कि किसी पर मारण कर दे, उच्चाटन कर दे, उलट कर्म कर दे, लेकिन वशीकरण का जो विषय है वो बड़ा व्यक्तिगत विषय होता है। आप जिस एनर्जी के साथ एक टोटके या तंत्र को करेंगे वो आपके बिहाफ पर कोई कर देगा ऐसा नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 विधान बताऊंगा, 21 टोटके बताऊंगा जो महादेव जी ने बताया। रविवार के दिन, ये पहला है, रविवार के दिन काले धतूरे का फूल, पत्र शाखा जो होता है उसकी लता और जड़ को ले आए, ठीक है, उसमें कपूर, केसर और गोरोचन मिलाए। देखिए गोरोचन आज के दिन में मैक्सिमम फेक मिलता है, तो अच्छे जगह से, अच्छे आश्रम से गोरोचन आप मंगाए तो वो आपको सही सामान देगा, उसका असर भी अच्छा होता है। फिर इसको जो है पीस करके तिलक बना ले। सिर्फ इस इन सब का जो संयोग होगा, इससे जो तिलक बनेगा, जब इसको आप मस्तक पर लगाएंगे तो कोई भी व्यक्ति जो आपको देखेगा आपसे सम्मोहित हो जाएगा। लेकिन ये पूरी क्रिया जो है रविवार को करनी होती है। दूसरा, कागजंघा, तगर, केसर और मैनसील, ये सब आपको कोई भी आयुर्वेदिक दुकान में मिल जाएगा। इनका चूर्ण बना करके जिस पर भी आपको वशीकरण करना है उनके तिलक में मिला करके दे दें। अगर वो तिलक लगाएंगे तो आपसे वशीभूत रहेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, ठीक है। जो औघड़ किस्म के लोग हैं वो चिता का भस्म ले आए, ठीक है, उसमें वच, कूट, तगर और केसर बराबर मात्रा में मिला ले, ठीक है। इसका चूर्ण बना करके आप अगर किसी को देते हैं तो वो वशीकरण तिलक का काम करता है। इसमें किसी भी मंत्र का प्रयोग का जरूरत नहीं होता। देखो इस वीडियो के अंत में मैं एक मंत्र भी बता दूंगा। अगर इन सब विधान के बाद भी आपको लगे कि नहीं और थोड़ा पावरफुल करना है तो आप जो है उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आप समझ लीजिए कि वशीकरण एक तरीके का मेटाफिजिकल प्रोसेस है जिसमें आप किसी का एनर्जी सिग्नेचर बदलते हैं। इसमें कुछ जादुई करिश्मा नहीं हो सकता है कि जो आपको जानता ही नहीं है या फिर जो आपसे बिल्कुल विपरीत चल रहा है वो अचानक से आपके पास आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कि किसी को प्रेम में अपने वश में करना है या फिर अभी जैसे एक पिक्चर आया था तो लोग सोचते हैं वशीकरण, ऐसा नहीं होता है। एक और औघड़ विधान है, उच्चिष्ट विधान है। इसमें क्या किया जाता है कि जीभ, नाक, कान और दांत का जो मैल है इसको पान में रख करके और अगर किसी को परोसा जाए तो वो वशीभूत हो जाता है। लेकिन ये कर्म सिर्फ औघड़ कर सकते हैं जो कि घर में नहीं रहते हैं। जो परिवार के साथ रहते हैं वो ये कर्म करेंगे तो उन पे उलट प्रभाव होगा, ठीक है। वशीकरण का जितना भी प्रयोग है वो सब, या फिर जो तंत्र में जो टोटके होते हैं वो सब कहीं ना कहीं मैल का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर लौंग को आप अपने पसीने में मिला करके किसी को खिलाते हैं तो उसका मेटाफिजिकल जो
एनर्जी सिग्नेचर है आपके प्रति, वो बदल सकता है। इसी तरीके से हाथ का, पांव का या नख का जो मैल होता है, आप जब भी अपने शरीर को साफ करते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी आपके हाथ का मैल, आपके पैर का मैल या फिर जो आप नाखून काटते हैं वो ना ले। अगर वो ले लेगा और उसको ग्रहण कर लेगा तो आप उसके वश में हो जाएंगे, या फिर जिसका भी जो ग्रहण करता है उसके वश में हो जाता है। बाएं पैर की मिट्टी अगर किसी की मिल जाए शनिवार को लेकर के, तो उसका पुतला बनाया जाता है, ठीक है। और उस पुतले में जिस व्यक्ति, मतलब जैसे किसी का आपको वशीकरण करना है, तो उसके बाएं पैर की मिट्टी को ले लिया, उसमें उस व्यक्ति के बाल को लगा दिया और फिर उस पे नीला वस्त्र लपेट देते हैं, ठीक है। फिर उस पूरी मूर्ति को जो है हम सिंदूर उसके चारों तरफ लगा देते हैं, ठीक। और उसके बाद उसको साथ में रखते हैं। वो पुतला आप जितने दिन अपने साथ में रखेंगे वो व्यक्ति आपके प्रति उतना ही आकर्षित रहेगा। जब आपको लगे कि अब पर्याप्त आकर्षण हो गया है तो उस पुतले को ले जाके कहीं गाड़ दे, वो आकर्षण जो है वो बरकरार रहेगा। ये सब टोटके हैं, ये समझ लीजिए। ये ना तंत्र है और ना इस, जैसे तंत्र अगर आपने किसी पर चलाया तो वो 100% होता है, चाहे तो वो चलेगा या वापस आएगा। टोटके बिल्कुल ही इस पर काम करते हैं कि आपका इमोशनल एनर्जी कितना काम कर रहा है। तो किसी ने पुतला बना दिया और फिर बोला गुरुजी काम नहीं कर रहा, तो हमने नहीं बोला या महादेव ने बोला, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो त्रुटि आपकी होगी, ठीक है। चिता का भस्म और ब्रह्म डंडी का चूर्ण मिला करके अगर आप किसी पे छिड़क देते हैं, जो मंत्र मैं इस वीडियो के अंत में बोलूंगा उसके साथ, तो वो आपके वश में हो जाएगा, ठीक है। पान के रस में ताल मखाना और मैनसील को पीस करके अगर तिलक लगाया जाए तो भी वशीकरण का काम करता है। अगर आपको किसी पे वशीकरण करना है तो उसका नाम शनिवार को गोरोचन से, ठीक है, कमल का जो पत्ता होता है उस पर लिख करके फिर पत्ते को घिस दीजिए, ठीक है, और उससे तिलक बना करके जिसका नाम लिखा था उसी को तिलक कीजिए, तो वो आपके वश में हो जाता है। एक मंत्र है, ठीक, ओम नमो कामाक्षा देवी अमुकम मे वंशम कुरु कुरु स्वाहा। ओम, या इसको ओम ना बोल करके अगर आप अधिकृत नहीं है तो ओम बोलेंगे, ओम नमो कामाक्षा, कामाख्या नहीं, ओम नमो कामाक्षा देवी अमुकम मे वंशम कुरु कुरु स्वाहा। किसी भी टोटके को करने से पहले 1,00,000 बार इस मंत्र को जप कर लेंगे, और उसके बाद जब भी टोटका का प्रयोग करेंगे तो इस मंत्र का 108 बार आप फिर से जाप कर लेंगे। तो जैसे ही जाप करेंगे ये जो प्रयोग है टोटके का वो 100% सफल रहेगा। ये चाहे आप खुद के लिए करें या फिर अपने किसी क्लाइंट के लिए करें। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, नंबर है 9431188585। ये ग्रुप पेड है, इसमें जो साधना का शुरुआती विधान है वो मैं आपको सिखाता हूँ। जो डायरेक्ट बात कर करना चाहते हैं वो कॉल मी फॉर ऐप पर रुद्रनाथ@gmail.com इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नंबर वही है 9431188585। भगवती महामाया आप सभी को तंत्र में अच्छा हाथ और सिद्धि दे, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है। आप सभी को देश आदेश।